फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आधा घंटा हुआ है गाड़ी का फिर एक्सीडेंट हुआ है, और दो दिन अव्वल फिर एक बाइक वाले का यहाँ पे हुआ था करासिंग पे, आज फिर ये हुआ है। अब खाली हुकूमत बोलती है कि काम पास हो गया है, ब्रिज का काम पास हो गया है, खाली कागजी पे वो काम दिख रहा है, जमीन पे कुछ काम था शुरू हुए तो आवाम को भी राहत मिलेगी, मगर यहाँ तो कोई राहत मिलने का सवाल ही नहीं है। इस साइड भी बस्ती पूरी फुल हो गई, इस साइड भी बस्ती है, आवाम को आने जाने की तकलीफ है, बस ऐसे ही हादसे हो रहे हैं, आवाम की जान पे जान जा रही है, किसी को उसी की फिक्र है नहीं। बार बार हम न्यूज़ के जरिए से कॉरपोरेशन बोलो या प्रशासन बोलो, हर एक को हम लोग ये मैसेज देते रहते कि आए दिन, एक दिन बाकी नहीं है कि यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होता, हर टाइम पावर वाली पुलिस स्टेशन की पूरी टीम आके यहाँ पे इसका जायजा लेके इनके ऊपर हटाना, उनको भी तकलीफ देना, रात को एक बजे बोलो, चार बजे बोलो, ये वारदात बंद नहीं हो रही। ये रोड के जो ठेकेदार है, ये रोड के जो करने वाले हैं, यहाँ ना सिंगल है या ना जाने के लिए किसी को वो है। अभी देखो ये गाड़ी है, नासिक की गाड़ी है, वडाला गांव के लोग हैं, जिसमें से एक आदमी फ्रैक्चर है उसका पाँव, और दूसरा आदमी जो है गाड़ी भी दिखाओ। अरे रुक ना तू, लब्बैक होटल के पीछे एक बहुत बड़ी बस्ती है, यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे, औरत, और ये लोग रोड क्रॉस करते हैं, ना यहाँ ब्रिज का सहारा है, ना यहाँ सर्विस रोड का है। हम यही प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे कब तक के ऐसी जान देंगे लोग, यहाँ पे ब्रेकर बनाओ और यहाँ सिंगल कोई चीज़ का लगाओ, ताकि ये चीज़ से लोगों को आराम मिले। इस एक्सीडेंट में कितने लोग घायल हुए? इसके अंदर तीन लोग को लगे ले, मार एक के दिमाग में लगे ले, और एक का पाँव फ्रैक्चर है और एक नॉर्मल है। ये लोग नासिक से 40 गांव दरगाह पे जा रहे थे।